तो ये कहानी है तीन दोस्तों की, रॉनी, राघव और बंटी। आइए मिलाते हैं आपको रॉनी से। ये है रॉनी, आपका मुसीबत। बस ये समझ लीजिए कि जहाँ भी कोई शरारत हो वहाँ इन महान हस्ती का नाम जरूर लिया जाता है। अच्छा है। आज ये पूरे तीन सब्जेक्ट में फेल हुआ है, इस बात की चूतिया को बहुत खुशी है। अब बारी है मित्र नंबर टू की, राघव, इस ग्रुप का सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट, और आज ये भी पूरे 40% मार्क्स से पास हुआ है, तो सेलिब्रेशन तो बनता है। अच्छा है। अब इनसे मिलिए। ये है बंटी। जी हाँ, बंटी तो चूतिया है, पर ये बंटी सिर्फ चूतिया ही नहीं बल्कि इस ग्रुप का सबसे फट्टू और चोमू भी है। देखते हैं आज ये तीनों मिलकर क्या खिचड़ी पकाते हैं। आइए। यार रिजल्ट तो ठीक है, लेकिन मेरे फेल होने की और तेरे इतने सारे 40% नंबर लाने की खुशी बिना दारू के फीकी नहीं पड़ जाएगी। बात तो तू ठीक बोल रहा है। तुम लोग सच में शराब पियोगे? ले, तू चल यार। चलना तू। अबे अब तू 10th क्लास का बच्चा थोड़ा ना रह गया, तू 11th में आ गया है। अब बड़ा नहीं होगा तो कब बड़ा होगा तेरा? चल यार देखता हूँ मैं, अगर आप आया तो देखता हूँ। अबे तू आया नहीं ना, तेले धल पे हम लोग पहुँच जाएंगे और अंकल को बताएंगे कि तेला ही आ गया थे, फिर पता चलेगा। आ दियो यार, प्लान व्लान तो बन गया, दारू के लिए पैसे कौन लाएगा? सवाल तो ये है कि दारू कौन लाएगा। अरे अतली तबाल ये है कि दारू पीने के लिए ददा तोल लाएगा। क्या? दारू पीने के लिए ददा तोल लाएगा। अरे जगह कौन लाएगा? जगह। टेंशन मत ले, वो दिशा बार है ना, मेरा बाप वहाँ रोज जाता है रात को, और सुना है सस्ता भी है, अपना काम हो जाएगा। भाई पकड़े पकड़े तो नहीं जाएंगे ना? अबे इतनी फटेगी तेरी तो जरूर पकड़े जाएंगे। हट, तल तंदे है ना? अंडे तल तंदे है ना? हाँ भाई कल संडे ही है। हाँ तो एक काम करते हैं, कल है ना 3 बजे तब मिलते हैं 500 रुपए लेके। तिथि तो दिक्कत, तुम दोनों अपना देख लो भाई, मुझे तो मांगते ही मिल जाएंगे पैसे। ठीक है भाई। पापा वो पैसे चाहिए थे। किस लिए? बुक्स लेनी थी। कितने चाहिए? वैसे तो मुझे ज्यादा चाहिए थे लेकिन मैंने थोड़े जोड़ रखे, तो आप 500 दे दो। आराम साधे, कल ही 3 सब्जेक्ट में फेल हुआ है तू, तेरे को क्या लगा हमें पता नहीं चलेगा? निकल यहां से। नहीं बाप। यार ढाई घंटे होते हैं, अभी तक आया नहीं, पता नहीं कितना टाइम लगा था वो। अरे आ गया वो। तू बता ले, तू तो लेते थे क्या? और पैसे लाया है ना? यार मांगे तो थे पैसे, पापा थोड़े भावुक हो गए, फिर मैंने भी नहीं मांगे। तो फिर प्लान कैंसिल। प्लान क्यों कैंसिल? तुम दोनों तो लाए होगे पैसे। लाए हैं तो चलो फिर दिशाबाद। चलो इसका मतलब है इसके बेटे का स्कूल का तले था, इसका एक बेटा भी है। मेरा बेटा भी है? अभी है ना, तेला एक बेटा है। हाँ हाँ एक है, एक बेटा है। अब तो यकीन हो गया, पूरी एज है हमारी, लगता है नया आया है। तो ही बोल रहा है। ये साल हो गए यहाँ, अब तो बिना आईडी के रसना बिना दूँ। जब सारे पैतरे खत्म हो जाते हैं तो बस एक ही चीज रह जाती है। भैया हम तीनों पहली बार आए हैं, प्लीज हमारे प्लान की बैंड मत बजाइए। बोलो यार, तुम दोनों ही बोलो प्लीज। भैया थोड़ा ₹1000 दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। अदालत तो हम तीनों से मिलाते नहीं है, थोड़ा सा
थोड़ा तो कम कर लो अभी यार, प्लीज यार। 800 से कम में तो नहीं हो पाएगा भैया, देख लो यार कुछ हो सके तो। कितने हैं तुम्हारे पास? 500। चलो लाओ 500 लाओ। हाँ अब बताओ क्या चाहिए। 500 में क्या मिलेगा? 500 में तो 3 बियर ही आ भाई। तो वही ला दो भैया, और क्या है ना, वही ला दो। सर आपको तो वही रेगुलर वाला होगा। हाँ भाई ठीक है। भाई ये तो पेशाब जैसा है। अरे तूने पिताब कब तेज तली? रोनी तेरे पापा? हाँ यार हर संडे आते हैं यहीं पर। आज तो संडे। रुक जा मैं नमस्ते करके आता हूँ। अबे घोर चुप पागल है क्या तू? मल पाएगा क्या? मैं गंदे काम नहीं करता। अबे मल पाएगा मतलब डेड वाला मल पाएगा क्या? चूतिए यार। सर नीचे कर लो, नीचे कर लो, हेड डाउन कर लो। एक बार बताओ ये लोग सर नीचे करके क्यों बैठे हैं? अरे सर स्कूल के बच्चे हैं ये, एक एक बियर में ढेर हो गए। अच्छा ओ सुन, ओ देख यार पापा देख तो नहीं रहे? देख तो नहीं रहे भाई, लगता है चले गए। हैं गए? फिर क्या हुआ, यही सोच रहे हैं ना आप लोग? होना क्या था, उन तीनों की पहली बियर ही उनकी आखिरी बियर हो गई। उन तीनों की दोस्ती भी सितारों में कहीं खो गई। अब मैं भी चलता हूँ, कहीं मेरी भी बियर गर्म ना हो जाए। आप सभी को शुभ रात्रि।